अच्छा भाई, चूसा सारा का सारा गाड़ी के अंदर लोड किया हुआ है। गाड़ी नहीं है, रिक्शा है, पहले ही करेक्ट कर दें। और फुल टाइट जिसे कहते हैं ना, हुआ हुआ है। तो वहाँ पहुँच के ज़रा अपडेट भी देते हैं और तो ज़रा चूज़े की लुक दिखा देते हैं। ये देख रहे हो माशाल्लाह से चूज़ा बेहतरीन, फुल साइज़ के अंदर है। और हाँ जी, ये देखो भाई, ये आ गए हैं प्यारे से बटेर के एग्स। और जगह देख रहे हो कितनी गंदी हो रही है यार, मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं इसको सीमेंट सकूं। बस अब जो है ना, चीज़ें सीमेंटने की तरफ हैं। पर अच्छा जी भाई, ये देखो ज़रा सामने की तरफ जो है ना, चूज़ा पैक हो रहा होता है। और यहाँ से दोनों कहानी आगे चलती है। ये जो ट्रेज होती है, इनके ऊपर चूज़ा फ्लोट करके आगे लेकर आया जाता है, यहीं पर ही वैक्सीन की जाती है। वो जो अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे। और यार आज की वीडियो जो है ना, बहुत जल्दी से स्टार्ट करनी है क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे काम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डेली बहुत सारे काम होते हैं। कभी कभी दिल करता है कि किसी दिन अच्छा लंबा छुट्टी मिले, अच्छी लंबी छुट्टी मिले। तो अभी जो प्लान है ना, वो यार ये है कि अभी आपको बताऊँ, मैंने ज़रा खिड़की विड़की खोल लेते हैं। अभी जो प्लान है ना, वो ये है कि सारे जो चूज़े आपको दिख रहे हैं, इसमें से मैंने 600 के करीब चूज़े पैक करने और ये चूज़े सेल होंगे। उसके बाद हमने ब्रॉयलर लेने जाना है, वो वाला काम निपटाना है। और उससे पहले मैंने शायद अपने बाकी बर्ड्स को भी दाना पानी करना है। तो चलिए ये सारा काम करते हैं और आपको ज़रा दिखाते हैं क्या अपडेट चल रही है, किस तरीके से हमने सारा का सारा ये काम करना है। ठीक है, तो पहले ये निपटाना शुरू करते हैं। उसके बाद एक बड़ी प्यारी सी चीज़ है, वो भी आपको दिखानी है और वो भी आपको दिखाते हैं और दिखाते हैं क्या सिचुएशन चल रही है। ठीक है, अच्छा भाई, सिचुएशन ये थी कि भाई मैंने चूज़ा पैक करने के बाद बहुत जल्दी, जिसे कहते हैं ना, मैं देकर आ गया उनको। क्योंकि पता है क्या हुआ, मैं आपको सिर्फ रिक्शे वाली वीडियो अटैच करूँगा। उसका रीज़न सारा ये था कि यार जब मैं पहुँचा ना, तो उनको भी लेट हो गई थी, उनकी गाड़ी निकलने वाली थी। तो वो टाइम बिल्कुल भी सूटेबल नहीं था कि अपने व्लॉग के चक्कर में उनका चूज़ा के पीछे कर दूँ, क्योंकि देखें जिम्मेदारी वाली बात होती है। तो पता लगे, व्लॉग तो हम बाद में भी कभी रिकॉर्ड करते रहते हैं, मैं आपको सिर्फ रिक्शों का आइडिया दे दूँगा। तो हमने कहा ज़रा आपको जो ना रफली सा मैं आपको बता दूँ कि क्या वजह थी, वरना वो बनता तो बहुत अच्छा। बस मैंने बस ओवरऑल जल्दी जल्दी के अंदर उसको रिकॉर्ड करके हल्का सा आपको बस डाल दिया, तो वो उस क्लिप भी आप देख लेगा। अच्छा भाई, चूज़ा सारा का सारा गाड़ी के अंदर लोड किया हुआ है। गाड़ी नहीं है, रिक्शा है, पहले ही करेक्ट कर दें। और फुल टाइट जिसे कहते हैं ना, हुआ हुआ है। तो वहाँ पहुँच के ज़रा अपडेट भी देते हैं और बताते भी हैं क्या सिचुएशन है। मैं आपको ज़रा क्लोज जल्दी दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे जल्दी पहुँचना है, इसलिए बस एक आइडिया दे रहा हूँ चूज़े की क्या सिचुएशन है। सारी लगती है। अच्छा भाई, चूज़े की हचरी हम दोबारा पहुंच गए हैं। और यार रोज़ ही आ जाते हैं यहाँ पे, क्या कहता है भाई? अल्लाह का शुक्र है, बरकत चल रही है, बरकत चल रही है माशाल्लाह से। लेकिन यार सोच रहे हैं कि हचरी के ब्लॉग ज़्यादा नहीं हो गए, अगर आप लोग कहेंगे तो बनाएंगे, वरना यार बस हो गई मेरे हिसाब से। तो तकरीबन रोज़ की वीडियो सुन रहा हूँ कि वैसे ही डिस्टर्ब हो जाता है बंदा, भगा भगा के आ जाता है, मिट्टी पे नहा के आता है। तो ये है कि हम थोड़ा कम कम करते हैं हचरी के ब्लॉग। यार आप लोग क्या कहते हो, कम करते हैं ज़्यादा करते हैं? क्योंकि तो ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो रूटीन में चल रही हैं। एक गाड़ी है ये, और इसके अंदर जो ना चूज़ा हमने डालना है, अभी देखते हैं। भाई कितना डालोगे इसमें चूज़ा? कितना चूज़ा जाने वाला है इसमें? बाकी बाइकों पे जाएगा 1250, मैं कंफर्म कर लेता हूँ दोबारा। अच्छा, यहाँ से सामान सारा निकलेगा, फिर जाके एडजस्ट होगा। है सामान कह रहा हूँ निकालना पड़ेगा यहाँ से ज़्यादा मेरे हिसाब से। बस सही है, सही है, रख ले, बैलेंस हो जाएगा मेरे हिसाब से। कुछ चूज़ा आगे आ जाएगा, कुछ पीछे आ जाएगा, तो तरीके से चला जाएगा, इतना मसला नहीं बनने वाला। तो भाई चूज़ा आता है, उसके बाद आपको ज़रा अपडेट देते हैं। और ये जो मामला मैंने आपको बताया है ना कि भाई हचरी के ब्लॉग का क्या सिचुएशन है, तो हमें बताएगा कि करें या फिर चलते रहें जिस तरीके से चल रहे हैं। क्योंकि यार मुझे तो देखिए बड़ा मज़ा आता है इन चीज़ों को रिकॉर्ड करने में, रूटीन जिसे कहते हैं ना। एक खुशी देख इस बंदे की माशाल्लाह से। अच्छा जी भाई, ये देखो ज़रा सामने की तरफ जो है ना, चूज़ा पैक हो रहा होता है। और यहाँ से दोनों कहानी आगे चलती है। ये जो ट्रेज होती है, इनके ऊपर चूज़ा फ्लोट करके आगे लेकर आया जाता है, यहीं पर ही वैक्सीन की जाती है। वो जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर रख के वैक्सीन की जाती है, ट्रे के थ्रू चूज़ा आगे लेकर आया जाता है। और साथ साथ जो ना चिलर वगैरह लगे हुए, वहाँ पे इसको ठंडा रखने के लिए सेटिंग होती है। हाँ जी, गाड़ी में लोड हो रहा है, जब तक देख लेते हैं बैक पे क्या सीन है। गाड़ी पे लोड हो रहा है चूज़ा भाई, पहली दफा जा रहा है 1250 चूज़ा कल्टस के अंदर। कल्टस के अंदर? हाँ, मैं कहा शायद वैसे ऑर्डर कह रहे हो, मैं हैरान था। यानी 1200 तो गया, 2500 के, 5000 के भी हुए सेटिंग बनी है, वो पहले शुरू के भूल गए। नहीं लेकिन कल्टस के अंदर, कल्टस के अंदर भी 1200 पहली दफा हम डाल दें, देखते हैं क्या होता है। लेकिन चला जाएगा चूज़ा, मुझे नहीं लगता कि इसमें एक भी मोटरिटी आएगी इंशाल्लाह। जब तक चूज़े का दीदार कराते हैं, आगे आएगा मेरे हिसाब से। ये आगे गेट खोल के आगे रखना शुरू करें। भाई एंड हो रहा है, बस समझ लें 3-4 डब्बे ये रहे। भाई इसको तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं, आपको ज़रा दिखा देते हैं क्या सिचुएशन चल रही है। तकरीबन कितने डब्बे हो गए? 1, 2, 3 डब्बे ये आ गए,
चार पाँच, पाँच डब्बे ये हो गए और पाँच डब्बे ये थे, चार पीछे हैं। ओवरऑल टोटल 13 डब्बे होने थे इस गाड़ी के अंदर। जब तक चूज़े की लुक दिखा देते हैं, ये देख रहे हो माशाल्लाह से चूज़ा बेहतरीन, फुल साइज़ के अंदर है और सारा का सारा ए ग्रेड चूज़ा होता है भाई। चूज़ा मिल जाएगा जिसको भी चाहिए, कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको मेरा स्क्रीन पे मिल जाएगा, बराए मेहरबानी व्हाट्सएप पे खाली कांटेक्ट करें और व्हाट्सएप पे कॉल उठाना भी आसान है, वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें मुझे, जैसे मैं फ्री होता हूँ मैं देख लूँगा। कॉल करेंगे कॉल रह जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है तो काम ख़राब ही हो जाएगा उल्टा। एक डब्बे के अंदर तकरीबन 100-102 चूज़ा होता है, समटाइम 2% एक्स्ट्रा मिलता है अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो तो, लेकिन अगर क्वांटिटी कम हो 100-200 हो तो भी अक्सर 2% एक्स्ट्रा भी नहीं मिलता। चूज़ों की जन्नत, चूज़ों की जन्नत, चूज़ों की जन्नत, देख रहे हो 1, 2, 3, 4 हो गया, पूरा हो गया क्या? ये पूरे हो गए वलीद, मैं तो बोल। अच्छा यार ये हो गए पूरे के पूरे और बस बाइक बाइक वाले रह गए, वो बाइक वाले बांध के निकल जाने। यार अली को 20 सूता देना है या 10 देना है, मैं पूछ लेता हूँ उनसे ज़रा कि उनको कितने देने। तो भाई वो कुछ घर के लिए भी हमने रखने हैं, पीछे रख दे मेरे हिसाब से तो सारे के सारे, चले जैसा बेहतर लगे, जैसा बेहतर लगे, जैसा बेहतर लगे। देख रहे हो पूरा खोल के दिखाते हैं आपको ज़रा डब्बा, आपको अंदाजा हो जाएगा क्या सिचुएशन है। ये देखो भैया कैसा लग रहा है माशाल्लाह से, बेहतरीन चूज़ा जिसे कहते हैं ना, हल्का फुल्का नहीं बेहतरीन चूज़ा। काम खत्म हो गया और ये 250 के करीब चूज़ा है, वो हम आगे लेके जाएंगे। ये तकरीबन पूरा का पूरा जिसे कहते हैं ना 1250 गाड़ी के अंदर लोड हो गया और एक दफ़ा इसका दीदार करा देते हैं आपको आखिरी दफ़ा। तो ये छोटा सा काम था, ये हो गया पूरा, तो मिलते हैं आगे जाके ज़रा आपको और बात की अपडेट देते हैं बाद में। ये तो ना मुझे पैसों का हिसाब करके बता रहा है कि मैंने टोटल पैसे कितने देने हैं, इन्होंने हमें देने हैं। कभी भी तो ना बंदा पैसों की तरफ नहीं आना चाहिए। अरे बेटा अच्छे बच्चों कितना हिसाब करो, 12,550 रहेगा बस, ये बाकी रहेगा, बाकी पूरे दे दिए आपने। ठीक है ठीक है भाई जान, देख लो मेरे से भी पैसे लेता है ये, कल को मुझे बोलेगा कि उसके पैसे दो। हिसाब अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह, क्या बोलते हो उस्ताद? अच्छा भाई चूज़ों की डिलीवरी भी अल्हम्दुलिल्लाह निपट गई है और सारे के सारे काम जिसे कहते हैं ना कंप्लीट हो गए। अब रह गए आखिरी काम और वो ये है कि इनके जो है ना मैंने फीट के बर्तन चेंज करने हैं। बेसिकली आपने देखा ना ये थाल जो है ना, ये इसका मसला सबसे बड़ा क्या होता है, ये थाल जो होते हैं इससे फीट ज़ाया बहुत होती है और ये गोल्डन टाइम है इनकी फीट चेंज करने के हिसाब से। और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है। मैंने उस टाइम पर मिस्त्री चूज़ों की भी कम वीडियो रिकॉर्ड करी क्योंकि यार बहुत जल्दी थी और अभी मैं आया तो मैंने देखा एक चूज़ा ही मरा हुआ पड़ा हुआ है, तो बहुत जल्दी देना थी वरना अदरवाइज़ क्या होता कि वो पार्टी जो थी वो निकल जाती। और मैंने आपको बताया कि बहुत दूर जाने थे, तकरीबन कुंदरी के करीब जाना था, 6-7 घंटे या 600 किलोमीटर का इस तरह कुछ सफ़र था। तो मैंने कहा बेहतर है पहले काम निपटा लेते हैं उसके बाद अच्छे से व्लॉग रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि मसला पता है क्या होता है यार, अगर अच्छी चीज़ ना रिकॉर्ड हो रही हो ना तो फिर दिल ही नहीं करता उसको रिकॉर्ड करने का। तो पहले इसको फीट के बर्तन बर्तन रखते हैं और उसके बाद आपको सीन दिखाते हैं क्या सिचुएशन चल रही है। ठीक है अच्छा क्या कहते हैं यार, चूज़ा जो था ना मैंने आपको बताया कि 600 के करीब हमने तकरीबन सेल कर दिया और अब रिमेनिंग बचा तकरीबन 1,000-1,200। पर कमाल की बात है कि सारा का सारा चूज़ा बुक है और जो बचा कुछ है वो मैंने रोकना है अपने लिए, क्योंकि मैं अपने फार्म पे भी पालता हूँ, अगर मैं सब निकाल दूँगा तो फिर मैं क्या करूँगा, तो इसलिए अब तो ये अवेलेबल नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चूज़ा आएगा 5 तारीख को अल्लाह ने चाहा, तो वो बुक करा सकते हैं, जिसको भी चाहिए वो बुक करा लें। समझ लें क्वान्टिटी के हिसाब से रेट हल्का फुल्का ऊपर नीचे होगा, अगर आपकी क्वान्टिटी कम है तो आपको 90 रुपये का पड़ेगा, 100-200 क्वांटिटी और इनकेस क्वांटिटी ज़्यादा है और बुक करा रहे हो तो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। दूसरी चीज़ आपकी जो एक चीज़ होगी ना क्या कहते हैं कि चूज़े में अगर बुक कराते हो तो हल्का फुल्का रेटों में और भी फ़र्क हो जाएगा, ऑन द स्पॉट जो भी रेट होगा वो फिर आपको जैसे पता ना बताने वाली बात पड़ेगी कि जो भी उस दिन का रेट होगा वो आपको देंगे। बाकी चूज़ा अल्हम्दुलिल्लाह यार एक रेट होता है और उसकी निशानी सबसे बड़ी ये होती है कि वही चूज़ा मैंने अपने पास भी रखना होता है, ऐसा नहीं होता कि मैं सिर्फ आपके लिए ख़रीदूँ चूज़ा और उसके बाद वो आगे पेल दूँ, नहीं वो मुझे बुरा लगता है। तो समझ लें हर दफ़ा ऐसा होता है कि चूज़ा जो भी मैं लाता हूँ वो अपने पास भी रखता हूँ मैं, तो इस तरह मुझे ख़ुद भी अंदाज़ा हो और मैं ख़ुद भी पालूँ, पता लगे एक ऐसी चीज़ हो जो मेरे अपने काम की नहीं है तो वो मैं बात आगे कैसे सेल करूंगा। और क्या कहते हैं अगर सेल कर भी देता हूं ना सपोज़ तो जाहिर से बात है वैसी घटिया चीज़ मैं अपने पास रखी भी रखना भी नहीं चाहूंगा। तो इसलिए बस एक आइडिया के लिए एक काम को चलाने के लिए मैंने आपको मशवरा दे दिया कि चूज़ा सारा का सारा गारंटीड ए ग्रेड होता है और मुनासिब चूज़ा होता है। चूज़े की मैनेजमेंट बहुत आसान होती है, इतनी कोई मुश्किल नहीं होती, इस मौसम में पालना आसान है। आपको पता है हम सर्दियों में नहीं सेल कर रहे थे, गर्मियों में जाके अब सेल कर रहे हैं। अगर आप हमारे कोर्स में वो ब्रूडिंग वाला लेक्चर्स देख लेना, मैं कहता हूँ एक वीडियो देख लें तो वो इनफ होगी आपको समझाने के लिए
कि किस तरीके से आपने करना है, यानी कि फीड उसका फीडिंग वगैरह का, टेम्परेचर वगैरह का, वैक्सीनेशन वगैरह का, इन सब चीज़ों का किस तरीके से आपने ख्याल रखना है। अगर आप खाली ये भी देख लेंगे ना तो आप वो समझ जाएंगे। एक ब्रूडिंग वाली वीडियो हमारी उसमें जो है, और उसके अलावा एक शेड कंस्ट्रक्शन वाली वीडियो जो है, वो दो तीन वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो फार्मिंग के हवाले से हैं हमारे कोर्स के अंदर। तो कोई भी लेना चाहे तो नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर मिल जाएगा। कोर्स हमारा 2500 रुपीज़ का है, बहुत ही मुनासिब कोर्स है जिसमें हमने सारी की सारी चीज़ें गाइड करी हुई हैं। बाकी बर्तन देख रहे हो चमकते हुए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, तो अभी बस समझ लें आज के लिए आप देख रहे हैं, उसके बाद तो इतने गंदे सड़े हुए हो जाएंगे ये कि आप बस सोचते रहोगे यार ये क्या चीज़ है। खैर ये हल्का फुल्का सा ओवरव्यू मैंने आपको दिखा दिया फीड का और बाकी सारी चीज़ों का। अब चलते हैं आपको ज़रा दूसरी बातें बताते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आज की वीडियो के अंदर। अच्छा जी भाई, फीड वगैरह डाल दिए इनको और बर्तन चेंज कर दिए इनके। अभी शुरू में तो बहुत सारी चीज़ों को समझ में नहीं आएगा कि इसमें से फीड कैसे खाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें बीच में जमा हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। फिर उसके बाद इनको इतनी ज़्यादा आदत हो जाएगी कि बस मैं एक बर्तन में फीड डालूंगा सारे के सारे भागते हुए आएंगे, तो वो देखिएगा बड़ा प्यारा लगता है उस टाइम के ऊपर जब वो चूज़ा आता है ना। अभी आप देख रहे हो माशाल्लाह से सारा का सारा चूज़ा जिसे कहते हैं ना वो तैयार है। चलें अब दिखाते हैं आपको एक सरप्राइज़, और उसके बाद आपको देते हैं वहाँ से आगे की अपडेट। अच्छा भाई, अब दिखाते हैं आपको सरप्राइज़, और वो सरप्राइज़ हैं हमारे बटेर। पर बटेर तो मैं आपको काफ़ी टाइप से दिखा रहा हूँ, और बटेरों की कैसी हालत देख रहे हैं, और हर दफ़ा मैं आपको कहता हूँ यार आखिरी दफ़ा आप इसको वीडियो में देख रहे हैं, अब नहीं दिखेंगे। पर भाई सरप्राइज़ है कुछ ये, और वो हैं बटेर के अंडे। दिख रहे हैं आपको, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक वो रहा। मैं एक ये रहा, चार हो गए। मैं काम करता हूँ आपको निकाल के फिर दिखाता हूँ कि क्या सिचुएशन है इनकी और किस हिसाब से ये चल रहे हैं। तो केज मैंने हल्का सा यहाँ से तोड़ा हुआ यार पहले से ही, ये है कि वो एक दो तीन, ओए ओए ओए, ये छोटी छोटी बॉलें दोनों हाथ से गिर रही है। पहले इसको साइड पर रख देते हैं फिर बाकी उठाते हैं। चार नहीं सॉरी तीन हो गए, चौथा ये रहा, आ जाओ। ओए चार, हमारी मुर्गियाँ वहाँ पे हड़ताल डाल रही हैं कि भाई हमें भी मुँह लगा लो, पर पहले हम ये वाला काम निपटा लें उसके बाद दिखाते हैं ज़रा। आ जाओ यार, मेरा पूरा हाथ सुन हो गया, देख रहे हैं किस तरह दबा हुआ है। उफ, अब निकलेंगे कैसे, ये तोड़ना नहीं है यार, अंडी ना टूट जाए कहीं। रुको यार एक मिनट। हाँ जी भाई, हमारे बटेर के प्यारे प्यारे से अंडे भी आ गए हैं, और देख रहे हैं कैसे लग रहे हैं ये चितकबरे होते हैं बटेर के अंडे। एक भाई काफ़ी टाइम से मैं मैसेज कर रहा था कि भाई बटेर की भी देना, एग्स फार्मिंग करो आप अगर आप पॉसिबल हो तो। अब सारा मसला ये कि यार मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं इनको क्या करूँ, यानी कि मैंने करनी नहीं थी, पर बाई चांस हुआ ऐसा कि ये जो है ना रह गए, और रहते रहते आप देख रहे हो माशाल्लाह से अंडे आना शुरू हो गए। मैं आपको ज़रा बाहर दिखाता हूँ भाई, लाइट ज़्यादा अंदर, इन्होंने हड़ताल करी हुई है तो शोर बहुत मचा रहे हैं ये। पहले हम आपको बाहर का दिखाते हैं कि बाहर का सीन क्या है, उसके बाद आपको दिखाते हैं। हाँ जी ये देखो भाई, ये आ गए हैं प्यारे से बटेर के एग्स, और जगह देख रहे हो कितनी गंदी हो रही है यार। मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं इसको सीमेंट सकूँ, बस अब जिन चीज़ें सीमेंटने की तरफ हैं। पर माशाल्लाह से एग्स बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं, और ये बिल्कुल नींबू के साइड्स के अंडे होते हैं। बटेर के अंडे फर्टाइल भी हो जाते हैं बहुत ईजीली, इनको हैच करना भी आसान है। पर मैं सोच रहा हूँ इनको हैच करूँ नहीं करूँ, अगर हैच करेंगे तो हम किसी अपने पास नहीं करेंगे, किसी और के पास करेंगे। आप बताओ क्या करें, क्या प्लान है? कहते हो तो हम ये चार अंडे तो हैं इसको मस्त तवे पे फ्राई करके खा जाते हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि या तो फिर हम इसको हैच कराते हैं। इसमें से एक जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा, ये एक, ये वाला एक, ये दोनों थोड़ा सा चटक गया, तो एक काम करें इसको तोड़ के चेक करें इसमें है क्या। छोड़ यार दिल टूटेगा, नहीं बल्कि देखते हैं इसमें है क्या। हाँ यार इनको फीड भी नहीं थी, एक काम करते हैं अंडा दाया करके चेक करते हैं, अंडा जैसा भी होगा इन्हीं को खाने में दे देंगे, और अंदाजा भी हो जाएगा कि बटेर का अंडा रंगे में कैसा होता है। देख लो कितना परेशान हो रहे हैं यार नीचे वालों को, बल्कि एक काम करते हैं, बल्कि नीचे वालों को देंगे ना, ऊपर वालों को अंडा दे देंगे तो भी चेक कैसे करेंगे यार। फाड़ दिया उन्होंने अंडा हमारा, अभी हम सिर्फ चेक कर रहे थे कि था कैसे, उन्होंने चोंच मार के फाड़ दिया। बदतमीज मुर्गी हो यार, ये लो अब खा लो। इतना छोटा था बटेर का अंडा, छोटी थी इसकी जर्दी, हाथ क्यों खा रही हो, होता पतला सा है, काटो नहीं किसी और को काटना चाहिए। चलो अच्छा जी, तो भाई आज की वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी, और यहाँ पे आपको आजकल अंडे नहीं दिख रहे होंगे, उसका रीज़न सारा क्या है कि भाई एक तो थोड़ी सी गंदगी हो रही है, उसकी सफाई वफाई मैंने करनी है। उसके साथ रीज़न क्या है कि ये देख रहे हो आप, ये सारा ओपन स्पेस है, और यहाँ से दोनों कौवा आके हमारे अंडे चोरी कर रहा है, और हमें ये बात पता लग गई है कैमरे के थ्रू। तो खैर आपको इसका कल सदैव आप करेंगे, आज तो नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर कोई किसी को
उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको आज की अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ साथ अगर कोई हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो भाई हमारी कंसल्टेशन है 2500 रुपीज़ के अंदर। हम सारी चीज़ें गाइड करते हैं फार्मिंग से रिलेटेड, साथ में यानी कि कंप्लीट फार्मिंग का कोर्स है, उसके साथ साथ एक बुक है और उसके साथ हमारी कंसल्टेशन भी है। यानी कि अगर आप काम कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं, दोनों सिचुएशन में आपके लिए वो हेल्पफुल होगा। तो अगर वो कोर्स परचेज करना चाहे तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिख सकता है आपको, बराए मेहरबानी व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करेगा, कॉल नहीं करेगा क्योंकि कॉल अक्सर रह जाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा अगर अच्छी लगी हो तो। बाकी कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करेगा, उम्मीद करते हैं वो बस हाँ कमेंट में राय का ज़रूर इजहार करेगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।